हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका, मोनिकाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एंकरिंग की। एंकरिंग ऑनलाइन जब कहते हैं तो क्या फ़र्क होता है, और ऑनलाइन एंकरिंग करते समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यदि आप भी ऑनलाइन एंकरिंग के बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ऑनलाइन एंकरिंग करते समय सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है, जो कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि कैमरे को फेस कैसे करना है, यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को देखिए, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आपको जब भी ऑनलाइन एंकरिंग करना है तो आपको कैमरे पर देखना है, कैमरे की लेंस पर देखना है। यदि आप कहीं और देखते हैं, जैसे कि मैं कहीं और देखती हूँ, तो आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन एंकरिंग के असफल होने का, कि आप अपनी ऑडियंस को देखते नहीं हैं। आपको अपनी ऑडियंस को देखकर अपनी बात को रखना है, और उसके लिए आपको कैमरे की लेंस पर देखना है। यदि आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो मोबाइल में जहाँ पर कैमरा होता है, उसकी जो लेंस होती है, वहाँ पर आपको देखना चाहिए। ऑनलाइन एंकरिंग की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलना है, क्योंकि आप स्टेज पर नहीं हैं, आप ऑनलाइन एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपका जो एंकरिंग करने का स्टाइल है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप लाइव किसी स्टेज पर एंकरिंग करते हैं तो आप बहुत लाउड, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन प्रोग्राम की एंकरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा काम होकर, थोड़ा आराम से, आहिस्ता से बात करनी चाहिए, तो इससे आपकी एंकरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऑनलाइन एंकरिंग हो या फिर आप स्टेज पर एंकरिंग कर रहे हो, आपकी जो वॉइस का टोन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खास करके जब आप ऑनलाइन एंकरिंग कर रहे हैं तो आपकी वॉइस का वॉल्यूम, आपका उतार चढ़ाव वॉइस का, साथ ही आपकी वॉइस का जो पिच है वो कैसा है, इससे आपकी पूरी एंकरिंग निखर कर आती है। यदि आप बहुत ज़्यादा लो पिच में बात करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई पिच में बोलते हैं तो इससे आपकी एंकरिंग ख़राब हो सकती है। आपको अपनी वॉइस का वॉल्यूम भी बैलेंस रखना है, साथ ही आपके वॉइस का टोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑनलाइन एंकरिंग का एक ये फ़ायदा ज़रूर है कि आप अपने स्क्रिप्ट को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आप ऑनलाइन भी एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि कैमरे पर यदि आप थोड़ा भी इधर उधर देखते हैं तो वो चीज़ तुरंत नज़र आती है। तो बेहतर है कि आप पूरी तैयारी करके बोलें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। बीच बीच में आप चाहें तो कुछ पेपर में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी यदि होगी तो आपकी एंकरिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ऑनलाइन एंकरिंग करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा बहुत फैमिलियर ज़रूर होना चाहिए। आप यदि लाइव जा रहे हैं तो आप लाइव में कैसे दिखाई देंगे, साथ ही आपकी स्क्रीन पर यदि आपका गेस्ट नज़र आ रहा है तो वो कब नज़र आएगा, ये सारी टेक्निकल चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। साथ ही आप यदि लाइव जाते हैं तो आपके लाइव जाने का टाइम, ये सारी चीज़ें ऑडियंस को पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। कुछ लोग जब कैमरे पर बात करते हैं या फिर वो मोबाइल से शूट करते हैं तो उनका जो कैमरा होता है वो बहुत ज़्यादा हिलता है। यदि आपका जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है तो आपका जो विजिबल जो प्रेजेंस है वो बहुत ख़राब दिखता है। आपका जो कैमरा है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्राइपॉड हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, आप किसी कुर्सी पर, किसी बुक स्टैंड पर, कहीं पर भी अपने मोबाइल को फिक्स करके रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो कैमरा है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, और उससे जो आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। आप जब ऑनलाइन एंकरिंग कर रहे हो तब भी, या फिर कभी भी जब आप ऑनलाइन अगर कहीं लाइव जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। आपका बैकग्राउंड सिंपल हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और आप अपनी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका लाइव प्रोग्राम है, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें।
जब आप लाइव कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपको आसपास की जो नॉइज़ है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो भी आपका जो वीडियो है वो ख़राब हो जाता है। आप इसके लिए कॉलर माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कॉलर माइक का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर पहुँचती है और आसपास का जो साउंड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑनलाइन प्रोग्राम हो या ऑफलाइन, पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा एक एंकर को बिल्कुल पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ किसके बाद होगी, कौन किसके बाद बोलेगा, क्या हम करेंगे और कितने समय तक ये प्रोग्राम चलेगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एंकर को होनी चाहिए और उसके अनुरूप ही एंकर को अपना पूरा प्रोग्राम, पूरे स्क्रिप्ट को तैयार करना चाहिए। ऑनलाइन एंकरिंग में क्योंकि आपका ज़्यादातर फेस ही नज़र आता है, तो यहाँ पर आपकी वॉइस, आपके एक्सप्रेशन और आपके शब्दों का चयन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे शब्दों का चयन, साथ ही आपकी आवाज़ और आपके एक्सप्रेशन, ये आपके पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑनलाइन जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उसके पहले बार बार उसकी रिहर्सल कर लेनी चाहिए। जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपको उसके बाद शो करना है, जूम पर यदि आपको कोई चीज़ दिखानी है, कोई लिंक आएगी या कोई आपको विजुअल्स दिखाने हैं, तो ये सारी क्लिप्स की तैयारी आपको पूरी ग्रुप के साथ कर लेनी चाहिए। कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी, कौन किसके बाद बोलेगा, जिन्हें बोलना है उनको भी आपको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ये सारी चीज़ें यदि बिखरी हुई होती हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। पहले से सारी चीज़ें यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब कुछ डिसाइड हो जाता है, तो पूरा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा दिखता है। दोस्तों, ऑनलाइन एंकरिंग में भी आपका पहनावा, आप किस तरीके से प्रेजेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ये नहीं कि आप ऑनलाइन एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, आपका पहनावा भी अच्छा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से आपकी एंकरिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी और आज के बाद जब भी आप ऑनलाइन कोई एंकरिंग करेंगे या ऑनलाइन कोई प्रोग्राम करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले किसी वीडियो में अगले किसी विषय के साथ आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।